क्या पढ़ने वाले हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम को पढ़ने वाले समझते हैं कि फादर केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट। तो पता होना चाहिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं। ठीक, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं एंटोनी लेवोसिर को, क्लियर है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहते, बात तो आती है क्योंकि इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट लॉ, ठीक, किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन के इस्टेब्लिश किए थे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, एंटोनी लेवोसियर को, क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दो इम्पोर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉ दिए थे, क्लियर है। वो लॉ कौन कौन से थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, ठीक, पहला क्या है, अच्छा जो इन्होंने ये जो लॉ दिए हैं किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन के, ठीक, तो ये इन्होंने देने से पहले क्या कि एक्सपेरिमेंट क्या होगा, है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था, एक तो लेवोसियर ने किए थे और दूसरे कौन से पर्सन थे, जोसेफ एल प्रोस्ट, क्लियर है, कौन कौन, लेवोसियर और प्रोस्ट ने, ठीक। इन्होंने क्या दिया था, पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब क्या है, जो मास है कंजर्व जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Yes. कौन सा मास कंजर्व जाएगा भी आगे आगे देखेंगे, ठीक। और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब क्या होगा, कोई भी चीज रहेंगे वो क्या है, एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक कॉन्स्टेंट रेशियो में रहेंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। तो चलो और देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ठीक है, जो पहला रूल था, अच्छा थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये किसे किसने दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने ये बताया है, अश्विन गार्गी, बताइए ये किसने दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया है, नहीं बता, आप लोग क्लास में फोकस नहीं कर रहे हैं। लेवोसियर ने बताया था ना, प्राउस्ट और लेवोसियर ने एक्सपेरिमेंट किया था मिलके, देखिए लेवोसियर एंड प्राउस्ट ने, क्लियर है। यस तो क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहिए, ठीक है। तो दो उन्होंने दो लॉ कौन कौन से दिए हैं, पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर, और दूसरा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो पहला देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम से क्या लग रहा है कि इससे जो मास है कंजर्व रहेगा, है कि नहीं, मतलब क्या हो कि मास जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये मतलब कहना चाह रहे हैं, है कि नहीं। तो मतलब क्या हो, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं एनर्जी पढ़ रहे थे, एनर्जी में क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, था कि नहीं, ठीक, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ठीक। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कब, यानी केमिकल रिएक्शन में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब कोई अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें मास को क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसको समझने के पहले क्या करते हैं, ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, दो सोल्यूशन लेते हैं, ठीक। एक सोल्यूशन मान लो, कई सारे हैं सर, कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, कॉपर सल्फेट ले लो या फिर सोडियम कार्बोनेट ले लो, चाहे तो बेरियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट, मतलब कि तीन चार कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो जो आपके ऊपर मन करे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक वो दिख रहा है, एक्सपेरिमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो राइट साइड में, ठीक। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन है, एक एक्स का एक वाई का है, ठीक। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो एक बड़ा सा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है कोनिकल फ्लास्क, जो बड़ा वाला दिख रहा है, बड़ा वाला ये दिख रहा है, ये बड़ा वाला, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, ठीक। तो इसमें रख देते हैं वाई वाला केमिकल, रख दे रहे हैं क्या, वाई जो सोल्यूशन वाई है उससे क्या, उसमें किस में रख रहे हैं, कोनिकल फ्लास्क में, क्लियर है। और जो दूसरा सोल्यूशन एक्स वाला है, ठीक, उसे किस में रख रहे हैं, एक स्मॉल ट्यूब में, दिख रहा है ये छोटी सी ट्यूब दिख रही है, हाँ ये, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इग्निशन ट्यूब, क्लियर है, हाँ। तो एक किस में रख दिए हैं, एक सोल्यूशन, मतलब ये मान लो क्या है, ये जो ट्यूब में है, वो ट्यूब में क्या है बताओ, एक्स की वाई है, ट्यूब में एक्स है, ठीक, और फ्लास्क में क्या है, वाई है, वाई है, ठीक। और फिर उसके बाद हमने दोनों अलग अलग रखा है लेकिन एक ही अंदर रखे हुए हैं, ठीक। अभी क्या कर रही है, ऊपर से ये कॉर्क लगा दिए ताकि कुछ भी ऊपर उड़ के ना जाए, क्लियर है, ठीक ठीक है। ध्यान रखना है कि जब इसको कर रहे हैं दोनों मिले नहीं, जो एक्स वाला है, जो एक्स वाला जो छोटे ट्यूब में है वो गिरे नहीं,
ठीक, इसको ऐसे रखना है, खड़ा खड़ा रहे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये मिक्स नहीं होना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमाते हैं, स्विल करते हैं फ्लास्क को, ठीक, और उनको मिक्स करते हैं। अभी क्या है, एक्स अलग है, वाई अलग है, ठीक, अब दोनों को हिला दी, पूरा मिल गया दोनों को, ठीक। तो अब उनका वेट करते हैं, ठीक। तो जब अब उन्होंने कुछ हिला दिए, कुछ रिएक्शन, अच्छा एक्स और वाई है, उन दोनों में अगर हिला देंगे तो कुछ ना कुछ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बोलो, और मिलने के बाद उनमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, नहीं होगी बोलो, होगी ना, होगी बोलो, और होने के बाद कुछ हो सकता है, नया बने, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल जैसे मान लो हम लोग जब लेते हैं चीनी लेते हैं और पानी लेते हैं, तो क्या करते हैं, जब मिलाते हैं तो जो बनता है कुछ नया बनता है ना, है कि नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से उसमें एक्स और वाई दोनों मिला देंगे, ठीक, अलग अलग लिया था, तो उसके बाद क्या होगा, जो ओवरऑल मास है, पहले हमने एक्स का मास ले लिया अलग से और वाई का मास अलग से ले लिया, ठीक, अब उन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने के बाद मान लो कुछ एक्स वाई बन गया, क्लियर है। तो जो एक्स वाई बना है उसका मास जो पता कितना होगा, वो एक्स प्लस वाई के बराबर ही होगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर। यस अगर मान लो कुछ कम ज्यादा हो रहा है, मान लो किसी फॉर्म में गर्म करने पर भी, तो ये इसी इसी के अंदर ही रहेगा, जो ना या फिर उसको एयर टाइट कर दिया ताकि इसके बाहर से ना निकल पाए, क्लियर है, वो इसी के अंदर ही रहेगा, पूरे फ्लास्क में रहेगा, क्लियर है, यस एक बार ठीक है। वापस बता दो मास वाला। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, एक मान लो छोटा वाला बीकर दिख रहा है, ये ट्यूब, इसमें मान लो क्या ले लिए, एक्स ले लिए, कुछ भी कम ले लिए हैं, मान लो कॉपर सल्फेट ले लिए हैं, ठीक, और बड़े वाले में क्या ले लिए, मान लो सोडियम कार्बोनेट ले लिए हैं, ठीक। अब दोनों को लिए अलग अलग हैं, अब बंद कर दिए, पहले क्या बंद कर दिए कॉक से, दिख रहा है, कॉक से बंद कर दिए, कॉक से बंद करने के बाद क्या किए हैं, हिला दिए, पूरा मिल गया है। जैसे हिलाएंगे तो क्या होगा, उनमें कुछ रिएक्शन होगा, नहीं होगा बोलो, और होगा जब रिएक्शन होगा तो हो सकता है कुछ और नया बन जाए, क्या पता एक्स प्लस वाई मिल गया, क्या पता मान लो पी एलिमेंट बना ले, पी प्लस क्यू बना ले, पॉसिबल है कि नहीं बोलो, ये जेड बना, तीन तीन आइटम बन गए, बनेंगे नहीं बनेंगे बोलो, बन ठीक। सकते हैं। तो बनने के पहले जो मास था ओवरऑल मान लो, और बाद जो प्रोडक्ट बने उसका मास, दोनों बराबर होंगे, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो यही बोलते हैं कि मास, क्योंकि आप देख रहे हो, अगर कुछ मतलब कुछ बना, कुछ आइटम तो बना है लेकिन कुछ नया मास बना नहीं है और ना ही कम हुआ है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। इसीलिए कहते हैं कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई जो अलग अलग लिए थे उसको मिला दिए हैं, मिल गया है, तो कुछ रिएक्शन हुई कि नहीं हुई है, केमिकल रिएक्शन बोलो। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ जब नया बना है तो उस समय बता दो, जब कुछ नया बन गया, ठीक, अब बता दो कि उसका जो टोटल मास है, जो पहले था वो उसके बराबर है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो अब बताओ, अगर कुछ मान लो पहले टोटल, मान लो पहले इसका वेट 10 था, पहले दूसरे वाले का मान लो टोटल वेट था 20 था, ठीक, मान लो पी हो गया 5 हो गया है, ठीक, और जो क्यू है मान लो 7 7 हो गया है, तो बताओ ये जो ये अगला एलिमेंट है, ये आर वाला है, कितना रहेगा बताओ। ट्वेल्व 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 होगा, घर क्या बताइए, कितना होगा, ट्वेल्व प्लस आर नो, अरे इधर कितना होगा, लेफ्ट साइड में एक्स का 10 है, वाई का 20, टोटल कितना होगा, इधर 30 होगा, नहीं होगा बोलिए, हाँ वहां पे कितना है, 12 प्लस आर, तो आर कितना होगा ये एटीन बताइए, 18 होगा ना। तो अगर 18 क्यों होगा, क्योंकि जो मास है जो पहले था बाद में वो रहेगा, उसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, कब, केमिकल रिएक्शन में, क्लियर है। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक, तो बताओ कि इससे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कि व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क, कोई रिएक्शन होगी नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी बोलो, केमिकल रिएक्शन होगी, होगी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू यू थिंक दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं होगा बोलो, होगा। होगा व्हाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, क्यों पुट किए बताओ,
ताकि उसके बाद वेपर्स मतलब कि कुछ खाना उड़ भी। ना जाए, है कि ना, कुछ आ पाए ना जा पाए, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और क्या है कि डज द मास्क ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज हो जाएगा क्या? क्लियर क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, है। ठीक है। नेक्स्ट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। लॉ नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, क्या है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, या फिर इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, क्लियर है? दूसरा जो रूल है, ठीक। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है, ठीक, कि कोई मान लो कि केमिकल सब्सटेंस है, कुछ भी कह दो, ठीक, तो जो उसमें एलिमेंट है वो जो प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में होंगे बाय मास, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। कैसे होंगे, डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रोपोर्शन में होंगे, ध्यान रखना, क्लियर है? जैसे मान लो कहते हैं, जैसे मान लो क्या बताते हैं, वाटर, तो जब वाटर लेंगे तो उसमें क्या हो, वाटर फॉर्म में क्या होता है बता दो, H2 होता कि नहीं होता बोलो, होता है, हाँ ठीक है। तो यस इस जब वाटर लेंगे तो उसमें जो दो चीजें, एक हाइड्रोजन है, क्या है, एक ऑक्सीजन है, तो जो रेशियो होगा किसका, हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन का, हाँ है तो हाइड्रोजन है उसमें हाँ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, राइट, और ओके कितने हैं, एक, क्लियर। एक। तो अगर इन दोनों के रेशियो निकाला जाए, दोनों के, किसके, मास ऑफ हाइड्रोजन के और मास ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक, तो वो कितना होता है, 1:8, कितना होता है, 1:8, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर होंगे तो एक रेशियो हाइड्रोजन का होगा और 8 रेशियो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो अगर ऐसा है, ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि मान लो हम 9, अगर मान लो 9 ग्राम वाटर लें और इसको डिकम्पोज कर दें, कितना, 9 ग्राम, ठीक, 9 ग्राम लिए हैं, तो उसमें क्या, जब डिकम्पोज करेंगे तो एच अलग हो रहा होगा, ओ अलग होगा, नहीं होगा, होगा। और ये जब डिकम्पोज होंगे तो किस रेशियो में होते हैं, 1:8 में होते हैं, टोटल 9 है, तो मतलब क्या हुआ, ये 1 होगा, ये 8 होगा, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो। अगर मान लो कि हम यहाँ पे 9 ग्राम लिए हैं, मान लो लेते 18 ग्राम, कितने लेते, 18 ग्राम, ठीक, तो एच और ओ का जो रेशियो क्या रहेगा, हमेशा 1:8 का रहेगा, नहीं रहेगा बोलो, रहेगा ना। तो इस समय हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 ग्राम रहेगा, और ऑक्सीजन कितना रहेगा, 16 रहेगा, नहीं रहेगा, तभी तो हो पाएगा, नहीं बोलो, 2 + 16, 18 ग्राम, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है। मतलब कि जो भी हम वेट लें, ठीक, मान लो हमने लिया डब्लू ग्राम, ले लिया कितना, ले लिए डब्लू ग्राम सपोज करो, ठीक। अब कहा जाए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना कितना होगा, मान लो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में होते हैं, 1:8 में होते हैं कि नहीं होते हैं, तो टोट यहाँ पे कितना डब्लू कितना है, डब्लू ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 + 8, 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा टोटल बोलो, किस रेशियो होना चाहिए, 9 में होना चाहिए, बट 9 में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म करने के लिए क्या कर देंगे, इसको 1 मान ले तो W/9 मान ले बोलो, तो अभी क्या हो जाएगा, अगर अगर कहा जाए कि डब्लू ग्राम में कितना हो जाएगा, ये W/9 × 1 प्लस W/9 × 8, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, नहीं समझ आ रहा। नहीं आया, अच्छा तो क्या बताइएगा, यहाँ पे जो W ग्राम है ये किसके बराबर है, 1 + 8 के बराबर है कि नहीं, बताया बराबर है, जो W ग्राम है वो किसके बराबर है, वो किस रेशियो में होना चाहिए, तो इसको 1:8 में होना चाहिए, 1:8 में होना चाहिए, तो 1:8 में होना चाहिए, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्स और 8x बोल सकते हैं, हाँ ठीक। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, अगर एक्स और 8x में है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, वेट का की बात के लिए, तो ये जो है डब्ल्यू ग्राम है, इसका वेट कितना हो जाएगा, 9x ग्राम होगा, नहीं होगा बोलिए, होगा, होगा तो इधर डब्ल्यू है उधर 9x है, तो जब भी हमें निकालना, अब हमें यहाँ पे कितने की निकालना है, 1 रेशियो का निकालना है ना बोलिए, तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा बताइए, एक्स अगर निकालना हो जो निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, और हमें क्या माना रेशियो के लिए, एक्स माना है कि नहीं माना बोलिए,
एक्स क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू बाई नाइन होगा बोलिए। हाँ तो अगर एक्स की डब्ल्यू बाई नाइन आ गई है, ठीक, तो अब बताइएगा इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्या है ये, एक्स और एट एक्स के रेशियो में है कि नहीं बोलिए, है कि नहीं है, है कि नहीं, घर के आ रहे कि नहीं आ रहे बोलिए चीज। यस तो अगर एक्स और एट एक्स के रेशियो में है, ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों ओल्ड पर नाइन आना चाहिए, नाइन एक्स आना चाहिए ना, यस ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आई, डब्ल्यू बाई नाइन है कि नहीं बोलिए, एक्स वैल्यू कितनी आई डब्ल्यू बाई नाइन, तो एक्स की जगह डब्ल्यू बाई नाइन रख दे, रेशियो होगा तो एट इंटू डब्ल्यू बाई नाइन होगा, बोलेगा होगा नहीं होगा। होगा और ये डब्ल्यू है ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बाई नाइन प्लस एट प्लस डब्ल्यू बाई नाइन के होगा नहीं होगा, विच इज क्योंकि इक्वल हाँ, टू 9W/9। तो ये क्या हो जाएगा, W नाइन इज डब्ल्यू बाई इक्वल नाइन टू W। डब्ल्यू इक्वल डब्ल्यू हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो गया है तो पूछा है किस रेशियो में ऐड करेंगे ग्रेवेट, तो डब्ल्यू बाई नाइन होगा नहीं होगा, और होगा नहीं होगा बोलिए, तो होगा वाटर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई नाइन होगा नहीं होगा एच, और ओ कितना हो जाएगा, एट डब्ल्यू बाई नाइन होगा नहीं होगा बोलिए, यस ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वाटर का क्लियर है कि यस नहीं क्लियर है, ठीक। अब बताइए यस जैसे बात करते हैं अमोनिया की, ठीक, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, क्या होता है, NH3 होता है कि नहीं होता बोलिए। तो यहाँ पे दो कंपाउंड है बोलिए, है कि नहीं है, एक नाइट्रोजन है एक क्या है, हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन तो अब बताइए नाइट्रोजन का मास कितना होता है, बताइए एटॉमिक मास कितना होता है, 14 14 होता है, और हाइड्रोजन का 3 वन ना, वन होता है ना, एटॉमिक हाँ, मास हाँ 1 वन होता है, ठीक। तो अगर वन होता है, ठीक, तो अब बताइएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तीन है कि नहीं बोलिए, हाइड्रोजन के तीन, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन का एक है तो 14 हो गया है, और हाइड्रोजन का तीन, तीन होगा नहीं होगा, 14:3 आगे नहीं होगा बोलिए, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलिए, ठीक है। तो अगर मत ही अमोनिया का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ मास किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, वो 14:3 है कि नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमको अमोनिया मिलेगी, ठीक, तो उसमें नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन का मास है उसका रेशियो क्या रहेगा, 14:3 रहेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चाहे जिस भी मेथड से अमोनिया मिले हम लोग को, जैसे मान लो ऊपर क्या है वाटर है, ठीक, तो वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो कितना, 1:8, ठीक। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हम वाटर को किसी फॉर्म में ले, ठीक, चाहे नाले के पानी से निकालें, ठीक, चाहे कहीं से भी निकाल ले, अगर वाटर है, वाटर है तो उसमें क्या, अगर रेशियो निकालोगे जब डिकम्पोज करोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो रहे क्या रहेगा मास का, 1:8 रहने, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमेशा जो भी कोई केमिकल सब्सटेंस होता है या कोई एलिमेंट होता है, तो उसमें जो एलिमेंट पड़े हुए हैं, जैसे इसमें क्या एलिमेंट पड़े हैं, हाइड्रोजन पड़ा है, ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, तो उसमें जो पड़े हुए हैं उसका प्रपोर्शन फिक्स है कि नहीं बोलो, वाटर अगर लिया है तो 1:8 का रहेगा नहीं रहेगा ना बोलो, रहेगा और अमोनिया 14:3 का रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन में रहते हैं कि नहीं बोले मास में, तो यही क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, क्लियर है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, या फिर जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक बार फिर से समझा दीजिए। सिंपल सा ये कह रहा है कि कोई भी अगर सब्सटेंस दिया गया है, जैसे मान लो क्या क्या H2O, जैसे मान लो क्या क्या H2O, H2O है, ठीक, तो H2O है जैसे मान लो, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक क्या है एच है और दूसरा क्या है ओ है कि नहीं, तो इसका मास ले लो और इसका मास ले लो, ठीक, और उसका रेशियो ले लो, तो यहाँ कितना आएगा, ये 1:8 आएगा, क्लियर है। तो ये कह रहा है अगर इसका रेशियो जो आ रहा है 1:8 आ रहा है, तो आप वाटर कहीं से भी लेके आओ उसका रेशियो हमेशा ही रहेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर इन लोगों ने देखा कि लैब में कितना आ रहा है, जो लैब से वाटर लिए कितना, 1:8 आ रहा है, ठीक,
और भी कहीं से वाटर ली तो हर जगह से वाटर कहीं से भी ले बनाओ, कहीं आ रहा है सोर्स जो भी हो, उसका रेशियो क्या रहेगा, 1:2 क्लियर के क्लियर है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की जो मास है उसका रेशियो क्या है, वन एक फिक्स है कि नहीं बोलो, ये 1:2 में फिक्स है कि नहीं बोलो, एक डेफिनेट है कि नहीं बोलो। है फिर तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट है जिससे अमोनिया की बात की जाए, अमोनिया की, तो उसमें क्या होता है, अमोनिया में 14:3 होता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो जब भी अमोनिया बनाओगे ठीक, तो उसका हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कितना रहेगा, 14:3, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर जो हमेशा फिक्स रह रहा है इसी को बोलते हैं कि वो डिफिनेट है, फिक्स है, क्लियर है कि नहीं क्लियर अभी, है। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ठीक, कि बेसिक थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ मैटर क्या बोलता है, क्या है कि कौन सी थ्योरी, नेचर ऑफ मैटर की, ठीक। तो इसे दिया किसने था, डाल्टन ने, ठीक है, किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, नहीं। बेसिक थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ मैटर किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, नहीं। ठीक। तो डाल्टन ने क्या, कौन सा आइडिया था, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर बोला था, क्या बोला था, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, क्लियर है, कि जो मैटर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है, छोटे छोटे पार्ट में, क्लियर है। ये किसने, इसको क्या बोलते हैं, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, क्लियर है, किसने दिया, ये डाल्टन ने, क्लियर है, कि जो भी मैटर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अगर डिवाइड कर सकते हैं मैटर को, ठीक, तो मतलब क्या, वो मैटर से कोई छोटा पार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या छोटा पार्ट मिला है, एटम मिला है, क्या मिला है, एटम। तो एटम क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक। यस और जो डाल्टन की थ्योरी थी वो किस बेस पे थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, क्लियर है, यस ऊपर में पढ़ा ना केमिकल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। हाँ दो रूल थे, एक डेफिनेट रेशियो में होते हैं बाई मास, और दूसरा इक्वल क्या है, मास ऑफ कंजर्वेशन, क्लियर है, ठीक है। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से थोड़ा समझते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी समझने से पहले ठीक, तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी क्या है, इन्होंने प्रोवाइड किया है एक्सप्लेनेशन, किसके लिए एक्सप्लेनेशन किया है, दो चीजों की, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफरेंट पोर्शन, इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया, क्लियर है। अब बताना, जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट पोर्शन है, ये रूल किसने दिया है, बता दो, ये लॉ क्लास की स्टार्टिंग बताया था, बताया किसने बताया था, बताया था, बताइए, ले लेवोसियर ठीक, एल्सा और प्राउस्ट, क्लियर है, यस उन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट के साथ में, क्लियर है, ठीक है। यस तो जो उन्होंने दिया था, तो डाल्टन ने उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उन्हीं बेस पे, क्यों, हाँ बोल, तुम सही बोल रहे हो, क्लियर है, यस ठीक है। तो डाल्टन क्या बोलते हैं, एटॉमिक क्या कहती है, कि ऑल मैटर चाहे जो भी हो, वेदर चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या कोई मिक्सचर हो, वो किससे बने हैं, वो कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स बने हैं, क्लियर है, यस चाहे एलिमेंट का हो, चाहे कंपाउंड का हो, मिक्सचर, मतलब कुछ भी कह दो, वो सब किससे बने हैं, एक स्मॉल पार्टिकल से, जिससे क्या कहते हैं, एटम, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सर और पॉस्टुलेट्स क्या है इस थ्योरी के, जो डाल्टन का थ्योरी क्या है, उसके पॉस्टुलेट्स क्या है, ठीक, उसके पॉस्टुलेट्स क्या है, यहाँ पॉस्टुलेट्स लिखे, 6 पॉस्टुलेट्स लिखे गए। तो पहला पॉस्टुलेट क्या है, कि जो ऑल मैटर किससे बने हैं, इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल, किससे बने हैं, जो मैटर किससे बने हुए हैं, टाइनी मेड ऑफ वेरी पार्टिकल्स टिनी पार्ट, टाइनी पार्टिकल्स, राइट, जिन्हें क्या बोलते हैं, एटम्स, क्लियर है, ठीक। यस ये पहला हो गया कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं एटम, मैटर जो भी किससे बने हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने, उन पार्टिकल क्या बोलते हैं, एटम, क्लियर है, एटम ये पहला था। दूसरा क्या बोलते हैं फिर, कि एटम्स क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, क्या है? ये जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, क्लियर है। और क्या है, विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जो एटम यस है वो पहला तो वो क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्लियर। और क्या है, उन्हें ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, क्लियर है, किसको, यस एटम को, एटम ठीक है। और क्या है, अगर कोई एटम है ठीक, किसी एलिमेंट का, मतलब कोई एलिमेंट है ठीक, तो उसका क्या होगा,
वो आइडेंटिकल किसमें होते हैं? मास में, आइडेंटिकल इन मास में होते हैं, क्लियर है कि नहीं? कितने क्लियर है? और केमिकल प्रॉपर्टी में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट दिया जाए, ठीक, उसका मास वही रहेगा हमेशा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी वही रहेगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। कि अगर कोई किसी एलिमेंट का एटम दिया गया है तो उसके जो मास है वो आइडेंटिकल रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल रहेगी, चाहे यहाँ चेक करो तुम कहीं भी चेक करो, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर ये तो ऊपर किसकी बात की गई है, एक एक अगर कोई एटम दिया गया है, कि वो एलिमेंट दिया गया है कि नहीं, अगर कोई एक एलिमेंट दिया गया है, ठीक, तो उसका एटम सबका सेम रहेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे मान लो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, ठीक, तो उसका मास और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो हर जगह सेम रहेगी, सेम रहेगी नहीं रहे? बोलो। रहेंगी। हाँ, वही चीज कह रहा है, क्लियर है? कि हाइड्रोजन जो है ये एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का जो एटम होगा उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल रहेगी, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कहा जाए, मतलब मान लो एक हाइड्रोजन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन ले लिए, सब के अलग अलग ले लिए, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट कहा गया ना, क्लियर है? तो अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके डिफरेंट मास होंगे और उनके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि जो एटम है, ठीक, वो कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, किस में होते हैं? स्मॉल होल नंबर में होते हैं, टू फॉर्म कंपाउंड में। मतलब क्या हुआ कि जब कोई एटम कंबाइन हो रहा है, ठीक, पहले तो सबसे छोटी एटम यूनिट क्या है? एटम है, ठीक। तो मतलब एटम अगर अटैम मिल रहा है किसी से, तो उसके अगर पार्टिकल नहीं गिर सकते हैं, तो क्या वो जब हमेशा जब उसको काउंट करेंगे तो हमेशा होल नंबर काउंट करेंगे, उसको आधा काउंट कर लेंगे? बोलो, क्या उसको डिस्टेंस में काउंट कर सकते हैं क्या? नो। इसीलिए कहा गया स्मॉल होल नंबर में करते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ओके। ये बता दो, अच्छा बता दो, जैसे कहा कि हमने कहा कोई कंप्लीट नंबर बता दो, कंप्लीट नंबर, तो बोल सकते हो 5, 6, 7, 2 है कि नहीं? अब बता दो, जब हम बात करें होल नंबर की, तो क्या होल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं क्या? कंप्लीट नंबर बताना हो क्या वो? नहीं। तो अगर कोई पूछे कि होल नंबर बताना है, तो आप उसको क्या 2.3 बोलोगे क्या? ये बोलोगे ना, ठीक। तो वैसे ही जो एटम्स है वो सबसे छोटी यूनिट है, बोलो एटम्स क्या है? सबसे छोटी यूनिट है कि नहीं? बोलो। ठीक, और क्या उससे छोटा कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर एटम्स सबसे छोटा यूनिट खुद ही है, तो मतलब कि उसके डिविजिबल नहीं कह सकते हैं? मतलब कि जब भी हम एटम को लेंगे तो हमेशा जो कंप्लीट नंबर लेंगे, नहीं लेंगे? बोलो कि कितने एटम हो गए, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे थोड़ा नहीं कि 1.2 एटम हो गया, ऐसा नहीं बोलोगे ना, क्लियर है? मतलब वो क्या होंगे? वो होल नंबर होंगे अगर वो कंपाउंड बना रहे हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे मान लो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लो अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH3 लिखते हैं, लिखते हैं बोलो, H2O। तो ऐसे क्यों लिख देते हैं, NH3 की जगह 3.2 कर दें, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, क्लियर है? तो ये क्या नंबर जो होना क्या चाहिए, ये होल होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन ले तो 3 होना चाहिए। आप चाहो तो उसकी जगह यहाँ कुछ और कर सकते हो, इनको बढ़ा सकते हो चाहो तो यहाँ कुछ और, लेकिन होल होना चाहिए, फुल नंबर, डेसिमल में नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। और क्या है, जो रिलेटिव नंबर होते हैं, ठीक, रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम वो कांस्टेंट होते हैं कंपाउंड में, कोई कंपाउंड में, जैसे मान लो H2O है, ये कंपाउंड है कि नहीं? बोलो। ठीक, तो मिस इस कंपाउंड में, कंपाउंड मिक्सचर दिया गया एक, इसमें बता दो जो इसके एटम है, ये जैसे इसमें कौन कौन से एटम है, एच के एटम और ओ के एटम है कि नहीं? बोलो। सर और इनको जो नंबर है कितने हैं, इसके दो और उसके एक है, ठीक, वो फिक्स है कि नहीं? बोलो, कांस्टेंट है कि नहीं है? सर क्लियर रखने के लिए, यहां तक, सर यहां तक कोई किसी को दिक्कत? नो ओके। अब यहाँ क्वेश्चन कहा गया है, इन रिएक्शन 5.3
ठीक है ओके। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन रिएक्शन के आगे 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 6 ग्राम एथेनोइक एसिड, एक ये हो गया एक ये हो गया एथेनोइक एसिड के साथ, ठीक। और जो प्रोडक्ट है वो कितना हो रहा है, वो 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, 0.9 ग्राम वाटर हो रहा है और 8.2 ग्राम सीडियम हो रहा है, ठीक है। तो शो क्या करना है कि दीज ऑब्जर्वेशन आर एग्रीमेंट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताने हैं, क्या बताने हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस ये क्या बताने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को बताते हैं। तो इसमें बता दो जो रिएक्शन हो रहा है इनपुट पार्ट क्या है, इसमें बता दो 5.3 है ग्राम है, 6 ग्राम 6 ग्राम, और उधर क्या बन रहा है 2.2 प्लस 0.9 और प्लस एट प्लस पॉइंट टू 8.2 कितना हो गया बताओ, राइट साइड में इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, राइट साइड में जोड़ो कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना होगा, पहले पॉइंट पॉइंट जोड़ते हैं, कितना होगा 0.2, ये कितना है, ये 9 2 2 2 4 4 9 13 होगा, 3 कैरी लगा 1 होगा, नहीं होगा बोलिए, होगा होगा और कितना हो जाएगा, कैरी लगा 1 कितना हो जाएगा टोटल बताइए, 11 11। और यहाँ कितना हो रहा है, 11.3 तो अब बताइए क्या है, मास कहीं क्रिएट हुआ है क्या, नहीं, केमिकल के नहीं पहले और बाद में दोनों सेम है कि नहीं बोलिए, सेम सेम है है ना। तो यस ये बताइए ये शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि यस रिएक्शन के सर पहले और बाद में जो छोटा सम क्या है मास का सेम है, क्लियर सेम है है, ठीक है। यस तो इतना यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा ओके, बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में भी क्लियर करेंगे, क्लियर है। और आप यस लोग चाहें तो ये जो क्वेश्चन लिखे गए हैं ठीक, ये करके आएगा आप लोग चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ओके, नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्लियर। तो फिर आज क्लास से ही वाइंड अप करते हैं ओके।